कभी तो हमारा भी कमेंट पढ़ लो। आय हाय स्काई, तुम्हारा क्यों नहीं पढ़ेंगे, तुम तो आसमान हो और वहां तक हमें पहुंचना है, और वहां तक सीढ़ियां होती नहीं, उड़ के जाना पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसे फिजिक्स वाले अलग पांडे जी कहते हैं कि आसमान तक सीढ़ियां नहीं है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हैं जिन्हें दूसरी चौथी फ्लोर पे जाना है, मुझे तो आसमान में उड़ना है। आई थिंक उनका प्लान शायद नासा वगैरह या चांद वान पे शिफ्ट होने का है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। अपना नॉर्मल है, बहुत दूर तक नहीं जाना। इतनी दूर तक जाके भी क्या फायदा जब वहां तक पहुंचते पहुंचते ही खत्म हो जाओ, है कि नहीं? उतना दूर भी क्या जाना, पहुंचते पहुंचते कुछ करने की ताकत ना रहे, एनर्जी खत्म हो जाए। पैसा है, वक्त है, एनर्जी नहीं। जिंदगी के उस पड़ाव में बड़ा बुरा लगता है जब आप डंडा लेकर चल रहे होते हो और एक छोटा सा बच्चा आके आपका डंडा थोड़ा छीन लिया है, उसमें हल्का सा हाथ मार दे, डंडा गिर जाए, और फिर उसके बाद की जो स्थिति होती है, तो उस लेवल तक नहीं जाना, उससे पहले निकल लेंगे हम। मैं तो कहता हूं जन्म से मरण तक सब कुछ छूट जाना है कि नहीं, और जीत उसकी जो पहले छोड़ दे। बस कुछ दिन और काम करेंगे, कुछ ऐसा कर जाएंगे लोगों के दिलों पे नाम लिख जाएं। आप भी अपने बच्चों को, यार एक मास्टर साहब हुआ करते थे, बड़ी मजबूरी थी उस वक्त, 200 रुपए भी नहीं थे कि किसी का कोर्स ले लें, और उन्होंने फ्री पढ़ाया था हमें यूट्यूब पे। समझाते भी रहते थे, मनोबल भी बढ़ाते रहते थे, हंसाते भी रहते थे, और उस हंसी हंसी में हमारी नौकरी लग गई। आज उसकी बदौलत बेटा तुम अच्छे कपड़े पहन पा रहे हो। आप अपने बच्चों को एग्जाम्पल दें, वो आपके दिल में हम जगह बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाए और हम भूल जाएं, नहीं, या आप हमें भूल जाएं, भूलने नहीं देंगे।